तेरा छोटा भाई। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं? हमारे यूट्यूब फैमिली तो सारे ठीक ठाक ही होंगे। और आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल में। तो हम अभी आए हुए हैं छत पे कपड़ा लेने फ्रेंड। तो मौसम किया हुआ है ठंडा, बारिश का मौसम किए हुए हैं। तो आज हम सवेरे अगले वीडियो में दिखाए थे कि हम बिछौना है जो बिस्तर जो अपना धोए हैं तो वही लेने आए हैं। तो देखिए उधर हम अभी डाल दिए हैं और धूप नहीं है, धूप ख़त्म हो गया है और लग रहा है कि मौसम बनाए हुए पानी जैसा। तो अब ना तब मतलब कि कभी भी पानी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम आए हैं बिस्तर लेने। तो सोचे कि थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। हमारे घर आया है मेरा छोटा भाई, तो आप लोगों को हम मिलवाते हैं उससे और दिखाते हैं कि वो क्या क्या लेकर आया है। मम्मी हमारी क्या क्या भेजी है तो क्या क्या लेकर आया है। तो चलिए फ्रेंड, और वो जाने वाला है बराबर पहाड़ घूमने, भोले बाबा से दर्शन करने। तो वही यहाँ आया है पटना, और पटना से ट्रेन पकड़ के और जाएगा। तो एक मेरा छोटा भाई और एक मेरा मौसेरा भाई है विश्वकर्मा, उसका नाम है विश्वकर्मा। वो और उसके फ्रेंड दो तीन लड़के जाएंगे यहाँ से घूमने, तो वो आज रात में निकलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, धूप तो आ गई है, ये देखिए धूप निकल गई है। हम सोचे कि धूप नहीं निकलेगी, तो चलिए फ्रेंड आप लोगों को हम दिखाते हैं और मिलवाते हैं अपने छोटे भाई से, और ये भी दिखाएंगे कि हमारी मम्मी क्या क्या भेजी है हमारे लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया है मेरा छोटा भाई। तो ये देखिए ये क्या लेकर आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये इसको हम अभी खोले नहीं है, तो बता दे रहे हैं कि आप लोगों को कि इसमें चावल है। तो मम्मी हमारी चावल भेजी है, चावल खत्म हो गया था खाना बनाने वाला। और ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एक चीज और लेकर आया है। तो ये देखिए, ऑनलाइन से मंगाया था बल्ब, तो ये लाइन कट जाने पर भी ये बल्ब बढ़ते हैं। बल्ब बंद करो, तो देख सकते हैं ये, बस इसको पीछे से छुइए और ये बढ़ जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा बल्ब है, अगर लाइट कट भी जाएगा तो ये बल्ब जो है जो बढ़ जाएंगे। ये देखिए हमारे बेटा जी अपने गाल में सटा रहे हैं, फिर भी बढ़ जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम जा रहे हैं अभी खाना बनाने। तो खाना में हम बोले कि आया है मेरा छोटा भाई, तो हम जा रहे हैं पनीर बनाने। तो 250 ग्राम हमारे हस्बैंड जी लाए हैं पनीर, तो 250 ग्राम में नहीं होगा पूरा, इसीलिए थोड़ा सा आलू डालेंगे और मटर पनीर बनाएंगे। तो मटर भी लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आलू डाल देते हैं। तो चलिए, ये देखिए पनीर जैसा है, छोटे छोटे टुकड़े में हम आलू को भी काट ले रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 250 ग्राम पनीर है ये। तो पनीर को हम काट लिए हैं, चूल्हे पर कढ़ाई भी चढ़ा ली है, और चलिए पनीर बनाते हैं, बहुत ही मस्त और टेस्टी बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो अपने पनीर को डालकर, मेरा तेल गरम है तो पनीर को डालकर और यहाँ पे देखिए भून लेते हैं, तल लेते हैं। तो घर का जो पनीर होता है, घर का ही फ्रेंड पनीर बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर जो मायके, हमारे यहाँ मेरी मम्मी भैंस फूसी हुई है, तो उसका पनीर बहुत ही अच्छा लगता है, घर का पनीर। और ये मार्केट वाला उतना बढ़िया नहीं, हमें तो नहीं अच्छा लगता है उतना, फिर भी बना दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम सबसे पहले पनीर को तल लिए। फ्रेंड हम यहाँ पे पनीर को तल लिए हैं, देख सकते हैं आप लोग, उधर आटा गूंथ के रखे हैं। और अब इसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर ले रहे हैं। तो आलू को भी जिस तरीके से हम पनीर को फ्राई किए हैं, उसी तरीके से बढ़िया से फ्राई कर ले रहे हैं तेल में। और ये देखिए आधा केजी का ये मटर लाए हैं हस्बैंड जी, तो आलू को भी इसी तरीके से फ्राई करिए। दोस्तों आलू को भी हम फ्राई कर लिए हैं और अब डालेंगे कढ़ाई में फ़ौरन। तो फ़ौरन में हम यहाँ पर देखिए ले लिए हैं ये जीरा, साबुत जीरा है, थोड़ा सा सरसों है, सौंफ, यानी कि हम पंचफोरन बना लिए हैं, देख सकते हैं। और ये दो तेज पत्ता, तो हम अपने पंचफोरन को डाल दिए। और सबसे पहले हम प्याज, यहाँ पे दो तीन प्याज काट के रखे हैं, साबुत प्याज ही काट के रखे हैं, और प्याज को डालकर और भून लेते हैं। और प्याज को गलने तक भूनेंगे ताकि पनीर, मेरा पनीर का जो ग्रेवी रहे अच्छा रहे। तो
पनीर तो फ्रेंड पीस कर भी प्याज टमाटर बनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है पीस कर बनाने वाला, तो हम साबुत का ही बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे प्याज और टमाटर को भी हम काट कर डाल दिए हैं, ताकि मेरा टमाटर प्याज जो है बढ़िया से गल जाए भूनते भूनते। तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे टमाटर प्याज को पहले भूनते भूनते गला लेते हैं, ताकि इसका ग्रेवी बहुत अच्छा तैयार हो। तो वीडियो में बने रहिए। प्याज और टमाटर हमारे देख सकते हैं कितना बढ़िया से गल गए हैं। तो यहाँ पे मसाला भी हम तैयार करके रखे हैं। तो मसाले में लहसुन, काली मिर्च, अदरक का पेस्ट हम पीस लिए थे, और ये सूखा मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए मसाले को भी डालकर और मसाले को भी भून लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मसाले मेरे भून गए हैं, थोड़ा सा हम पानी डाल दिए हैं कि एक बार और सुखा के थोड़ा सा भून लेते हैं। सब्जी में जितना ही मसाले या सब्जी को भूनिए उतने ही टेस्ट और स्वाद बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम भून लिए हैं, और ये देखिए हरा मटर, ये आधा केजी है 70 रुपया के। तो इसे हम पैकेट से काट कर निकाल लिए हैं। और चलिए फ्रेंड अब ये हमारे पानी सूख जाएंगे, तो फिर से हम पानी डालकर और सब्जी को हम डालेंगे, क्योंकि सब्जी तो मेरा पनीर और आलू मेरा ऑलरेडी पहले से भुना हुआ है। तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं पनीर मटर सारे, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और ढक्कन लगाकर इसे 5 मिनट पका लेते हैं। दोस्तों हमारा सब्जी बनकर ऑलरेडी तैयार हो गया है, तो चलिए हम चूल्हे पर से उतार लेते हैं और सर्व करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा सब्जी कैसा बना है। तो वीडियो में बने रहिए। तो ये देखिए हम सर्व कर दिए हैं, और हमारी सब्जी आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है, टेस्टी बना है। तो आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा चला के दिखाएंगे आप लोगों को। तो आलू पनीर थोड़ा कम था, इसीलिए आलू भी डाले थे। तो बताइएगा फ्रेंड कि हमारा आज का पनीर का रेसिपी कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड हम जा रहे हैं खाना खाने। सारे को हम खाना खिला दिए हैं, और ये हमारा जो बचा है, दोपहर में हम लंच बनाए थे चावल, तो ये बच गए थे, तो ये चावल हम खाएंगे। और बच्चे हमारे रोटी और पनीर खा लिए हैं, और ये देखिए बेटा जी हमारे नहाए हैं अभी, और बताए थे कि हमारा छोटा भाई आया तो गया बराबर पहाड़ घूमने, तो अभी निकल गया जस्ट खा पी कर। और यहाँ पे देखिए हमारे बेटा जी भी जाने के लिए बोल रहे थे, तो जल्दी जल्दी में नहाए और नहा गया, रूसे हुए हैं रात में ही जाएंगे, बोलिए आप लोग बताइए। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब।